नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पर एनेबल हुआ एक और यूजफुल फंक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। सर कौन सा यूजफुल फंक्शन है? तो फटाफट से बिना किसी देरी के मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर लेके चलता हूँ। और हम आ गए हैं जीएसटी पोर्टल पर। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता था कि किसी से भी गुड्स परचेज करने से पहले अपने सप्लायर के जीएसटी नंबर को जरूर चेक करो और पता करो कि वो मंथली फ्रिक्वेंसी में या क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी में। इस बात से हमारा क्या लेना देना है, इस बात से हमारा ये लेना देना है, अगर वो मंथली फ्रिक्वेंसी में है तो आप उम्मीद करो कि उसका डाटा इसी महीने के 2A 2B के अंदर आएगा। अगर वो क्वार्टरली फ्रिक्वेंसी के अंदर है तो आपको उम्मीद को छोड़ देना चाहिए और आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि भैया क्वार्टरली बेस पे इसका डाटा आएगा। हालांकि GST 1 फाइल करने के लिए IFF ऑप्शन की अवेलेबिलिटी होती है, बट इसी चीज को अब जीएसटी पोर्टल ने ठप्पा लगा दिया है। और आप आएंगे सर सर्च टैक्स पेयर के ऊपर। ये चीज मैं पहले ही बहुत बार आपको बता चुका हूँ, कैसे बताया था मैं आपको बताया था, सर्च जीएसटी नंबर पे आएंगे। जीएसटी नंबर पे मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली कि जीएसटी नंबर को सर्च करने का तरीका, वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर सर्च करता हूँ, नॉर्मली विदाउट लॉग इन मैं सर्च कर रहा हूँ। ये सर मैंने क्या करा, जीएसटी नंबर को सर्च करा, जीएसटी नंबर की डिटेल मेरे सामने आ गई। पर अब इन्होंने क्या करा, एक ऑप्शन और यहाँ पे बढ़ा दिया है, शो रिटर्न फाइलिंग फ्रिक्वेंसी। इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, तभी तो उन्होंने बढ़ाया है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि भैया आप ज़्यादा ITC क्लेम मत करो। अगर आपका सप्लायर क्वार्टरली में, तो आप भी जब आपके 2B और 2A में डाटा है, तो भैया आपके 2A 2B में डाटा कब आएगा? अगर वो मंथली IFF फाइल नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है क्वार्टरली बेस पे आएगा, क्योंकि वो क्वार्टरली GST 1 को फाइल करेगा। और अगर वो मंथली फ्रिक्वेंसी वाला है तो आपके मंथली बेस पे 2A 2B में डाटा आ सकता है, अगर वो टाइमली रिटर्न फाइल करता है। तो भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब है तभी तो डिपार्टमेंट ने इस ऑप्शन को यहाँ पे दिया है। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे शो रिटर्न फाइलिंग फ्रिक्वेंसी में। आप देखोगे केवल एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात की जाएगी, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है। आप देखोगे पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, और आज 30 जून है, जो कि इस क्वार्टर की लास्ट डेट है। कौन सी जून है सर? 30 जून है, इस क्वार्टर की लास्ट डेट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली है। आगे आप देखोगे जुलाई टू सेप्टेम्बर की, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली है। उससे भी आगे अगर आप देखोगे अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च, मतलब क्वार्टरली वाइज यहाँ पे जो है डाटा दिया हुआ है। भैया सभी में मंथली, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ये बाद में इसको क्वार्टरली भी चूज कर सकता है। हर क्वार्टर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने मंथली फ्रिक्वेंसी को क्वार्टरली में ले जाएं या क्वार्टरली को मंथली में ले जाएं। बट ये आपको पूरा ही डाटा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का दिखाएगा, जिसमें लिखा होगा कि ये मंथली फ्रिक्वेंसी में है। इसका मतलब केवल मेरे हिसाब से तो इतना ही है कि आपको पता लग जाए भैया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो टाइमली रिटर्न फाइल करेगा कि नहीं होगा। हालांकि इस चीज़ को मैं कैसे बताता था, मैं आपको बताता था भैया आप शो फाइलिंग टेबल पे आओ, यहाँ पे क्लिक करो। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा था, इससे भी ज़्यादा अच्छा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि ये पिछले पीरियड के बारे में बताता है, और आने वाला पीरियड तो किसी ने देखा नहीं है। अभी ये तो हमें आने वाले पीरियड की बात बता रहा है कि जनवरी मार्च में भी मंथली है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जनवरी मार्च के अंदर क्वार्टरली में चला है, तो ये जो कॉलम, जो दो एक्स्ट्रा कॉलम दिए, ये नहीं देने चाहिए थे, ठीक है? पर दे दिए डिपार्टमेंट ने, क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, मेरे साथ रह जाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, माई मिस्टेक, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फाइलिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मैंने भी अभी अभी देखा है, तो सॉरी मैंने देखा नहीं था इस ऑप्शन को, यहाँ पे मुझे अभी ऑप्शन दिखा है। तो आप ये देख सकते हो फाइलिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्लिक करते हैं सर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर 21-22। भैया ताज़ा आपको खबर बता रहा हूँ, इसलिए मैंने भी पीछे अभी नहीं देखा था, पर मैंने अभी देखा। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइलिंग फ्रिक्वेंसी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट करोगे तो आपका डाटा 22-23 का आ जाएगा, अगर आप इसको मंथली करोगे तो डाटा 21-22 का आ जाएगा। 21-22 के अंदर भी ये सप्लायर पूरे महीने में क्या रहा है सर, मंथली फ्रिक्वेंसी के अंदर रहा है। किसमें रहा है, मंथली फ्रिक्वेंसी के अंदर रहा है। मैं आपको दो GST नंबर और सर्च करके दिखाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा डाटा आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक GST नंबर आपको कंपोजिशन का और एक अलग से दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इस वाले ऑप्शन का भी क्या यूज था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं एक GST नंबर आपके सामने और सर्च कर रहा हूँ, सर्च करेंगे सर शो फाइलिंग रिटर्न फ्रीक्वेंसी। ये आप देखोगे फाइनेंशियल 22-23 का लास्ट तक पूरा बता रहा है, हालांकि लास्ट तक हम पहले से नहीं सोच सकते कि लास्ट तक ये मंथली में रहेगा, पर चलो बता रहा है, कोई बात नहीं। बट अगर मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे अगर क्लिक करता हूँ, तो एक बार हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे देखो कमाल का चीज़ है, 21-22 में फर्स्ट क्वार्टर में क्वार्टरली था, सेकेंड क्वार्टर में भी क्वार्टरली था, थर्ड क्वार्टर में भी क्वार्टरली था, पर फोर्थ क्वार्टर में मंथली हो गया, ठीक है? तो ये डाटा एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही बता रहा है,
बट अगर करंट फर्नीचर की बात करूं तो हम पहले से नहीं डिफाइन कर सकते कि ये मंथली रहेगा जनवरी मार्च के अंदर भी या थर्ड क्वार्टर में मंथली रहेगा, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। बाकी मैं आपको बोलता था आप शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करें, यहाँ पे अगर सामने वाला 3B अगर क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो उसका मतलब ये QRMP में है, और अगर वो मंथली फाइल कर रहा है तो उसका मतलब वो मंथली फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि आप GSTN 1 से नहीं पता लगा सकते। अगर मान लो वो GSTN 1 मंथली फाइल कर रहा है पर 3B वो क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो उसका मतलब वो QRMP के अंदर है, क्योंकि GSTN 1 आप IFF के बिहार पे मंथली भी फाइल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 2021 को देखता हूँ तो आप देखेंगे दिसंबर के बाद सीधा मार्च पे गए हैं, दिसंबर के बाद सीधा मार्च पे गए हैं, फिर मार्च के बाद जून पे गए, जून के बाद सितंबर पे गए और सितंबर के बाद दिसंबर पे गए, तो इससे पता लग रहा है ये यहाँ तक क्वार्टरली था। फिर आप देख रहे हो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये चीज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी, पर हम 1 से नहीं डिफाइन कर सकते, 1 से हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। 1 में तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, पर यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर सीधा सितंबर है देन दिसंबर है, तो ये आपको मंथली दिखेगा डाटा पर 3B क्वार्टरली होनी चाहिए तभी वो QRMP के अंदर है, क्योंकि मंथली तो आप IFF के थ्रू भी फाइल कर सकते हो ना। तो ये चीज मैं पहले आपको बताता था शो फाइलिंग टेबल पे, पर डिपार्टमेंट वालों ने हमारी रिक्वेस्ट को सुन लिया है और अब उन्होंने रिटर्न फ्रीक्वेंसी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आपको दे दिया है, जिसमें आप दो फाइनेंशियल ईयर को देख सकते हो, एक पिछला और एक करंट फाइनेंशियल ईयर को आप चेक कर सकते हो। करंट फाइनेंशियल ईयर में ये फोरकास्ट करके आगे का भी डाटा बता रहा है, जबकि ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, पर चलो कोई बात नहीं, बता रहा है तो बताता रहे, ठीक है। बाकी एक GST नंबर का मैं आपको सर्च कंपोजिशन का एक GST नंबर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपके सामने कंपोजिशन का एक GST नंबर सर्च करा है, आप लोग देख रहे हैं, तो कंपोजिशन में रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बताएगा टैक्स पे टाइप इज कंपोजिशन फॉर दिस सिलेक्टेड पीरियड। और अगर मैं इसका प्रीवियस पीरियड देखता हूँ तो देखो प्रीवियस में आपको डाटा दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस में रेगुलर था तो रेगुलर में मंथली था, तो ये दोनों डिटेल अब आप आराम से चेक कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फंक्शन आपको यूज करने आएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप भेड़ चाल में चलोगे और जैसा आपको बताया जाएगा आप वैसे ही सीख पाओगे। सो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो इसी के साथ सभी को प्यार भरी नमस्कार, जय राम जी की, टेक केयर, बाय बाय।